भारत सरकार की प्रमुख ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ने सिंगरौली में पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 32,95,000 की मदद की है। कंपनी ने यह सहायता हैंडपंप खनन के लिए सरकार को दी है। सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना ने सीएसआर के तहत जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 32,95,000 का चेक दिया। इसके माध्यम से सरकार 35 नए हैंडपंपों का खनन कर पानी की समस्या से लोगों को निजात दिला सकती है। कंपनी के सीईओ ने यह चेक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख एसएल ध्रुवे की उपस्थिति में दिया। कंपनी ने सीएसआर के तहत पहले भी इस तरह के सहयोग किए हैं। कंपनी ने सामाजिक कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को करोड़ों का अनुदान भी दिया है। एनटीपीसी विंध्याचल कंपनी के कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि कंपनी सामाजिक दायित्व के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर भी कंपनी ने जिले में स्थापित रेड क्रॉस की मदद की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।